हाय दोस्तों, कैसे हैं? आज मैं आपके सामने एक मल्टीबैगर स्टॉक खोज के लेके आया हूँ। मैं बहुत एनालिसिस इस पे कर रहा था, बहुत दिन से कर रहा था, और अल्टीमेटली ये मुझे मिला कि ये एक शेयर है जो रिसेंटली एक क्रॉस ओवर किया है, अच्छा क्रॉस ओवर किया है। और अगर लॉन्ग टर्म की बात करें तो ये मल्टीबैगर है, ये आपको 400 रुपया 500 रुपया भी दिख सकता है। तो मैं अभी बोल दूंगा और बाद में नहीं आएगा तो आप लोग ज़्यादा इस पर प्रॉब्लम होगा, तो इसलिए लेकिन आप इसको SCP कर लीजिए। ये बॉर्डर केमिकल लिमिटेड है, डायजन केमिकल की बहुत बड़ी कंपनी है, बहुत अच्छी कंपनी है। और आप देखेंगे तो ये 52 वीक अगर हाई बनाइए 183 का, और अभी जो चल रहा है 123 का, जो आप दिवाली के दिन देखेंगे लास्ट डे, तो वहाँ पे इसने 1 नवंबर 7 को 103 रुपये का गेन दिखाया है। और ये अपने एक क्रूशियल लेवल को, मतलब कि समझिए जो 48 डेज का डेमा होता है, 118 को क्रॉस किया है, इसके लिए ये और भी वाइटल हो गया। तो और भी इंपॉर्टेंट हो गया कि इसको आप देखेंगे, यहाँ खुद लिखा है बॉटल केमिकल क्लोजेज एबव 50 डेज मूविंग एवरेज 160.19। तो उसने क्रॉस किया है, 1 तारीख को ही क्रॉस कर गया था, उस समय मेरे नॉलेज में नहीं आया था, अदरवाइज आपको ये 6 रुपये का गेन आपको ऐसे ही मिल जाता। और सेंटीमेंट देखिए तो ये आपको 100 रुपये 100% बाइंग है। डिलीवरी अब देखिए तो डिलीवरी 76% 77% डिलीवरी हो रही है, एवरेज डिलीवरी इसकी पहले से 60% चल रही थी। ये अच्छा खासा है, एक बार 183 रुपये से गिर के 95 तक गया हुआ था। अगर पी रेशियो की बात करें तो सिर्फ 9.82 है इसका अर्निंग का, जबकि इंडस्ट्री की पी रेशियो आप देखें तो 23 है। कहाँ ये बहुत ऊपर तक जा सकता है। तो अगर 9.83 है और आज के डेट में इसकी बुक वैल्यू इतनी है, तो आप समझिए 23 होगा तो और भी इससे कहाँ तक जा सकता है ये वैल्यू। 121/9 × 23 तो आपको 300-400 रुपये तो ऐसे ही कभी भी आपको ये इंडस्ट्री पी की इक्वल इक्विवेलेंट भी जाता है तो भी आपको मिल जाएगा वहाँ पे। दूसरा आप देखें तो इसकी बुक वैल्यू 57 और रुपीज़, और ये सिर्फ अपने 2.15, आपको हर समय बताया बिलो 10 बहुत ही अच्छा होता है। देखिए ये बहुत ईजी है कि मैं आपको मल्टीबैगर बोल दूँ कि मारुति खरीद लीजिए, HDFC खरीद लीजिए, आयसर मोटर खरीद लीजिए, तो आप बड़े बड़े बैंक को खरीद लीजिए और मैं बोलूँ मैं मल्टीबैगर आपको दे दिया, आप आराम से पैसा लेके बैठिए, तो ये थोड़ा मुझे अच्छा नहीं लगता। मुझे लगता है कि मैं ऐसे ही कुछ शेयर को खोजूँ जहाँ पे कि बनने को भी बहुत कुछ बाकी है, वहाँ पे आपको 100% एक फिक्स है कि 18 से 25% आपको रिटर्न मिलेगा ही। चाहे आप मारुति ले लीजिए, आपको 8,500 तक जाना है, HDFC ले लीजिए 2,500-2,400 देगा, जो कि दिवाली में मैंने आपको दिया भी है। बट ऐसे शेयर को अगर आप रखेंगे तो ये तो 30% देगा ही देगा, उस ऊपर ही देगा, साथ में आपके पोर्टफोलियो को डिविडेंड भी दे रहा है। ये देखिए आपको 40% का डिविडेंड दे रहा है, तो 8 रुपये का तो आपको डिविडेंड दे रहा है। तो हर जगह से मतलब इस शेयर में ये मल्टीबैगर शेयर है मेरे लिए, और मैं इसको कहूँ दूसरे तरीके से तो मेरे लिए ये पेनी स्टॉक है। ये पेनी स्टॉक है जो कि मल्टीबैगर के रूप में काम करेगा, और 306 रुपये आपको 3 साल के अंदर मिल जाएगा आपको। तो अगर 3 टाइम्स आप देखें, 4 टाइम्स देखें, 350 मिला तो आपको 3 टाइम्स यहाँ से 3 साल में आपका पैसा हो जाएगा। इसका ऐसे कोई रीजन नहीं है आपको मैं कैसे ही बहुत बता रहा हूँ। एक तो मैं आपको इस पहले ये बता दूँ कि ये चार्ट पे अपने क्रूशियल लेवल को बाइंग सिग्नल जनरेट हुआ है, और साथ में ये क्या किया है, आप यहाँ पे देखें इसको तो आप देखेंगे यहाँ पे सब पे देखिए बाइंग सिग्नल जनरेट हुआ है, ये इससे बाइंग सिग्नल जनरेट हुआ है। यहाँ पर भी देखिए तो आप यहाँ पर भी इस पर भी देखिए बाइंग सिग्नल जनरेट हुआ है MACD पे, और आप जिस CCI पे देख लें, स्टॉकिस पे देख लें, तो और अगर मैं इसको एक बार VI पे वोर्टेक्स पे देखूं तो ठीक है, यहाँ पे अभी एग्जैक्ट बाइंग नहीं दिया है बट ये बाइंग की ओर जा रहा है, तो मुझे अच्छा लगा ये, आपको इसको बाय करना चाहिए। और मैंने यहाँ पे सपोर्ट और रेसिस्टेंस भी दिया हुआ है, आपको इसका जो नया सपोर्ट है वो 111 का रखना है, रेसिस्टेंस जो था पहला 118 ये क्रॉस कर दिया, ऑलरेडी 123 पे है, तो अब आपको 136 तक, आपको 130 135 तक तो आराम से देखने को मिलेगा, और यहाँ क्रॉस करने के बाद आपको 160 देखने को मिलेगा। तो अगर शॉर्ट टर्म में भी आपको हो सकता है कि जो 1 सप्ताह या एक इस मंथ के एंड तक ये आपको 136 प्लस में आपको मिले, और 136 प्लस क्रॉस करेगा तो आपको 160 प्लस जाएगा, ऑलरेडी है यहाँ पे 160 प्लस, और 160 प्लस जाने के बाद आपको वापस ये अपने नए हाई जो है जो 185 गया था वहाँ तक जाएगा और ब्लू स्काई जोन में चला जाएगा। तो ये अच्छा खासा आपको यहाँ पे ऑलरेडी मैंने सपोर्ट और रेजिस्टेंस आपको दिया हुआ है, तो आप इस पर ध्यान रखें। 111 का सपोर्ट है, स्टॉप लॉस लगा कर रखें 111 का, उसके नीचे जाता है तो 99 और उसके नीचे जाता है तो फिर फर्दर फॉल होगा, लेकिन ये एक सपोर्ट इसलिए लगा कर रखना जरूरी है। मल्टीबैगर चाहे पता नहीं किसी कारण से मार्केट क्रैश कर जाए, लेकिन होने वाला नहीं, अब कोई मार्केट क्रैश होने वाला नहीं है,
फिर भी कहते हैं स्टॉप लॉस बताना जरूरी है, तो स्टॉप लॉस बिना स्टॉप लॉस के भी आप इसमें काम कर सकते हैं। सही पूछो तो बिना स्टॉप लॉस वाला ये शेयर है, आपको इसमें स्टॉप लॉस लगाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये जो कंपनी है बॉडल, ये फॉरवर्ड इंटीग्रेशन भी बैकवर्ड इंटीग्रेशन भी है और 50 कंट्रीज में बिजनेस कर रही है और इसके कम से कम 10 से 12 प्लांट हैं जो मेनली गुजरात बेस्ड है, सारे प्लांट इसके गुजरात बेस्ड ही हैं। तो आप देखेंगे तो इसको ये कंपनी देखिए, ये अहमदाबाद में 4 है, बड़ोदरा में 3 है, अंकलेश्वर में 2 कंपनी है। और ये बिजनेस जो क्या करती है, कंपनी ओवरव्यू क्या एक बार ले लेते हैं, क्या करती है तो बॉर्डर केमिकल लिमिटेड इज इंटीग्रेटेड इनोवेटिव कंपनी ऑफरिंग इन टू इन सॉल्यूशन टू आवर कंपनी ग्लोबली। वी आर अमंग वर्ल्ड्स लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरर एंड एक्सपोर्ट ऑफ डाइज इंटरमीडिएट्स, डाई स्टफ एंड सल्फ्यूरिक एसिड विद वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल इंटीग्रेशन है, हु प्रोवाइड्स प्रोडक्ट सॉल्यूशन एंड सर्विसेज सॉल्यूशन फॉर फास्टर पॉसिबल रूट टू देयर कस्टमर। बॉर्डर केमिकल लिमिटेड हैविंग इट्स प्रेजेंस नॉट ओनली इन इंडिया बट अक्रॉस ग्लोब एंड सर्विसिंग 50+ कंट्रीज with its innovative product and services. It is coupled with our technical know-how, expertise in manufacturing dyes, chemical, other chemicals. Our growth is propelled with our support team members and management profession. ये सब है manufacturing units, आपको बताई थी यहाँ पे है Trian के साथ इसका, Trian Chemicals manufacturing specialty chemical and its base product. It is based at Kambat, Gujarat. ये अगर company की overview, अगर यहाँ पे company पे चलें तो कंपनी की एक बार कंपनी पे चलते एक बार तो डाई इंटरमीडिएट डिवीजन है, डाई स्टफ डिवीजन है, सल्फ्यूरिक एंड बल्क केमिकल डिवीजन है, ट्राइन, ये 4 डिवीजन है कंपनी का। और कंपनी ओवरव्यू जाएंगे आप देखिए, ये कंपनी ओवरव्यू दिखाई दिया आप इसका, ये बिजनेस है, ये डाई इंटरमीडिएट डिवीजन है, डाई स्टफ डिवीजन है, ये बना रहे 4 डिवीजन है इसके। न्यूज इवेंट्स आप जाकर के इसके साइट्स पे जाकर के पढ़ सकते हैं। और ये ग्रोथ जो कर रही है 80% 85% के हिसाब से कर रही है, तो वो सब आप जाकर के इसके ग्रोथ को देखिए, इन्वेस्टर रिलेशन न्यूज़ में जाकर न्यूज़ देख सकते हैं हम, न्यूज एंड इवेंट्स क्या है इसके। तो एक केमिकल सेक्टर में जो है लेदर से लेकर के टेक्सटाइल, लेदर, पेपर, सब जगह इसके केमिकल का यूज होता है, तो इसका यूज जो है बहुत ही अच्छा है और अब हर जगह इसका यूज आपको देखने को मिलेगा। इसका बॉर्डर का हेड ऑफिस है, इसका हेड ऑफिस है, इसके प्लांटेड है, प्लांट है, ब्रांचेज हैं इसके। यहाँ देखिए अलग अलग जगह ये ब्रांचेज बैठे हुए हैं, यहाँ देखो कितनी बड़ी बड़ी कंपनियाँ और ब्रांचेज खोल के रखे हुए हैं, डाइस का काम करती हैं। ये बॉटल केमिकल लिमिटेड है, ये तो एक बॉटल के बारे में जो थोड़ा सा एक छोटा सा व्यू है, आप bottle.com पे जाकर के इसके बारे में डिटेल जानकारी भी ले सकते हैं। आप देखेंगे ये टेक्सटाइल में, बिजनेस में, क्राफ्ट में, यार्न में, यहाँ पे इनका केमिकल्स का यूज हो रहा है, तो ये सब जगह है जहाँ पे इनका, ये सारी जगह प्लास्टिक से लेकर लेदर में, तो सब जगह इनका यहाँ लेदर में, तो हर जगह इनके केमिकल का यूज हो सकता है ये। और अगर इसके फाइनेंशियल की बात करें तो फाइनेंशियल आप देखेंगे, इसके फाइनेंशियल को देखेंगे, अगर आप देखेंगे अभी जून सेप्टेम्बर 18 का, तो कंपेयर टू ईयर करेंगे, चाहे आप लास्ट क्वार्टर से भी करेंगे तो भी आप प्लस में, और ईयर टू ईयर करेंगे तो सितंबर 17 से सितंबर 18 में देखें 262 की जगह 174, मैं आपको 100 करोड़ से ऊपर का आपको यहाँ पे सेल्स ग्रोथ हुआ है। और 42 से जाएं प्रॉफिट आपको देखेंगे तो 40 से 65-25 करोड़ का प्रॉफिट गेन हुआ है, अच्छा खासा गेन है और होते रहेगा, इसको कोई इशू नहीं है इस कंपनी में। और अगर इसकी बैलेंस शीट की बात करें, बैलेंस शीट की बात इसकी करोगे आप, तो आप देखो यहाँ पे इसके पास रिजर्व की कमी नहीं है, 677 करोड़ के रिजर्व है। इसके पास जो डेप्ट है वो बहुत ज़्यादा छोटा सा डेप्ट 147 करोड़ का है, जहाँ 50 करोड़ का इनकम है वहाँ 147 करोड़ का डेप्ट है, तो कोई खास नहीं है, मैंने आप समझिए इनकम के सामने या रिजर्व के सामने इसके पास डेप्ट की कमी नहीं है। तो डेप्ट रेशियो अगर आप देखेंगे, रेशियो अगर भी जाके जाएंगे तो वो भी कोई खास नहीं है। अब एक बार प्रमोटर शेयर होल्डिंग भी देख लेते हैं, इसकी प्रमोटर शेयर होल्डिंग देख लेते हैं एक बार,
तो अब 47% की होल्डिंग है इनके पास यहाँ पे, और फॉरेन के जो इंस्टीट्यूशन है वहाँ पे आप 8% फॉरेन इंस्टीट्यूशन के, तो टोटल 55% है यहाँ पे। उसके अलावा आप देखेंगे तो म्यूचुअल फंड के यहाँ पे 6% है, और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन बैंक्स जो होती हैं उनके पास भी 0.12% है, क्वालिफाइड फॉरेन इन्वेस्टर के पास 6% है, तो ऐसे करके यहाँ पे इंडिविजुअल के पास 23% है। तो आपके पास टोटल ऐसे करके होल्डिंग पड़ी हुई है। और म्यूचुअल फंड के पास देखेंगे, टॉप म्यूचुअल फंड के पास देखेंगे, टॉप ऑफ पब्लिक शेयर होल्डिंग देख लेते हैं, म्यूचुअल फंड देखने के बाद में देखते हैं। तो आप टॉप अगर देखेंगे तो यहाँ पे ICICI पोटेंशियल फंड के पास है 4% है, रिलायंस कैपिटल ट्रस्टी कंपनी लिमिटेड के पास 2% है, बड़ी कॉर्पोरेट क्लीयरिंग बड़ी NRI के पास 1.46% है। तो ये सब डायरेक्टर रिलेटिव के पास भी है, तो ये सब शेयर होल्डिंग परसेंटेज है आपका। और ओवरऑल अगर देखें इसमें कोई गिरवी तो नहीं रखा इन्होंने शेयर को, तो आप ये देखिए टोटल होल्डिंग जो है यहाँ पे है, और कोई भी शेयर गिरवी नहीं है, प्लीज नहीं है। तो जब आप इसके पास डेप्टी 147 करोड़ का, जहाँ अर्निंग 50 से 55 करोड़ की है नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, और वहाँ पे आपके पास 740 करोड़ का रिजर्व है, तो इस कंपनी को कुछ हो नहीं सकता है। और जब इसके केमिकल आप जो भी कलर, आप यार्न कलर जो भी बनता है, चाहे आप लेदर में कलर बनता है, पेपर क्राफ्ट में कलर बनता है, सारे जगह इनके केमिकल्स की यूज होती है। तो ऐसे कंपनी के जहाँ 50+ बाहर कंट्री में बिजनेस कर रहे हो, और आपको गलती से ये शेयर गिर गया था और आपको मिल रहा है सस्ते में मिल रहा है, तो आपको इसका भी फायदा उठाना चाहिए। तो ये सब देख करके ये शेयर को आपको बाय करना चाहिए। और पहला रेसिस्टेंस वगैरह भी आपको समझा दिया, बता दिया, तो आप खुद ही देख रहे हैं 123 पे अभी रनिंग है, 7 नवंबर की क्लोजिंग 123 पे हुई। पहला टारगेट इसका 135 का है, 135 क्रॉस करेगा तो 166.70 का है, वहाँ से जाएगा तो फिर वापस 180-183 जो आपको बनाया था हाई वहाँ, और ओपनिंग स्काई में जाएगा, और ये 3 साल के अंदर 350-360 रुपये का आपको देखने को मिलेगा। ये एक पेनी स्टॉक है, मल्टी बैगर है, और चार्ट पे देखिए आप चाहे जहाँ पे भी आपको देखना हो, ये पैटर्न बाइंग सिग्नल जनरेट कर चुका है, मूविंग एवरेज को 13 डेट के मूविंग एवरेज को क्रॉस कर चुका है। आप सारे चार्ट पे देखिए, और ये ऑलरेडी देखिए ये जो 13 डेज के एवरेज को 50 डेज के एवरेज को ऑलरेडी क्रॉस करके 113 पे क्रॉस कर रहा है, 116 का था वहाँ से 123 पे आ गया है। सारे चार्ट में प्लस सिग्नल जनरेट हो रहा है। आप इसकी CCI को भी देखेंगे तो यहाँ पे भी आपको बाई सिग्नल जनरेट हो रहा है, तो हर जगह बाई सिग्नल है, प्लस है। तो ये मल्टी बैगर कंपनी है, 135 पहला टारगेट, 166 दूसरा टारगेट है, 180 प्लस तीसरा टारगेट, और ओपन स्काई में जाने के बाद 350 का टारगेट है। 3 साल के अंदर ये आपको 350 के अंदर दिखेगा। ये मल्टी बैगर स्टॉक है, अपने पोर्टफोलियो में जरूर रखें, SIP के थ्रू रखें, लेकिन ये सारा पेपर ट्रेडिंग करें। और अगर आपको पोजिशन बनानी है, डायरेक्ट मार्केट में लेना है, तो फाइनेंशियल एडवाइजर से बात करने के बाद ही लें, फाइनेंशियली अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से डिस्कस करने के बाद लें। नीचे दिए हुए बटन को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, फॉरवर्ड करें, और लोगों को भी भेजें, ताकि ऐसे मल्टी बैगर का उनको भी एनालिसिस हो और वो करें। और ये आपको किसी चैनल या किसी मीडिया पर आपको तो ये नहीं अभी तक दिया गया होगा, तो चलिए कोई बात नहीं, ऐसे मल्टी बैगर हम धीरे धीरे खोजेंगे आपके लिए, कभी कभी खोजेंगे। और महीने में एक भी दे दिया आपको ऐसा मल्टी बैगर, और आपके पोर्टफोलियो में आपने SIP करके रख लिया, अगर 5000 रुपये पर लगाए तो आप समझिए कहाँ करोड़ों रुपये कमा लेंगे आप ऐसे। एक मल्टी बैगर है। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।